गुजरात की धरती ने गांधी और पटेल जैसे अहिंसावादी तरीकों से आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेता ही नहीं दिए, एक ऐसा क्रांतिकारी भी दिया जो बमों से खेलता था। मंजिल उसकी भी वही थी, फर्क सिर्फ यह था कि वह न केवल बम बनाने का मास्टर था बल्कि बम के दम पर देश को आज़ादी दिलाने के अपने तर्क का बचाव भी बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के सामने अपने मजबूत तर्कों के दम पर आसानी से कर लेता था। इतना ही नहीं, जब गांधी जी ने हिंसा का इस्तेमाल करने के खिलाफ कल्ट ऑफ बम थ्योरी दी तो इस क्रांतिकारी ने भी जवाब में फिलॉसफी ऑफ बम लिख डाली और वही फिलॉसफी उस दौर में आज़ाद भगत सिंह, बिस्मिल, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान जैसे देश भर के बड़े क्रांतिकारियों की संस्था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को चाहने वाले लाखों युवाओं की प्रेरणा का स्रोत बन गई। नाम था भगवती चरण बोहरा। जितने क्रांतिकारी विचारों के थे, भगवती उससे एक कदम आगे थी उनकी पत्नी दुर्गावती, जिन्हें सारे क्रांतिकारी दुर्गा भाभी के नाम से जानते थे। गुजराती परिवार से ताल्लुक रखने वाले भगवती लाहौर में पैदा हुए थे। 11 साल की थी दुर्गा और उनकी शादी भगवती से कर दी गई। उस वक्त तक भारत के अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अशोक की शिला या स्तंभ लेख, संगमकालीन इतिहास, गुप्तों का स्वर्णयुग, चोल, हर्ष, मौर्य, चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, उपनिषद आदि, इन सब पर विद्वानों के बीच चर्चा होनी शुरू हुई थी। यहाँ तक कि भारतीय इतिहास को लोग राजाओं का इतिहास ही समझते थे। बुद्ध के समय गण और महाजनपद के बारे में भी आम जनता तक तब तक अनजान थी। ऐसे में वह सब एक गौरव के तौर पर बच्चों के बीच स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जा रहा था। वैसे भी देश में उस वक्त अंग्रेजी एजुकेशन पर जोर था और अंग्रेजों से पहले मुगलों ने फारसी इस्लामिक शिक्षा को बढ़ावा दे रखा था। ऐसे में देश के क्रांतिकारी प्रेरणा लेने के लिए रूस और फ्रांस की क्रांति के पुरोधाओं से उनके सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट विचारों से भी प्रेरित हो रहे थे। यहाँ तक कि नेपोलियन से हजारों साल पहले पैदा हुए समुद्रगुप्त की वीरगाथाओं के बारे में लोगों को जब पता चला तो इतिहासकारों ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा, ना कि नेपोलियन को भारत का समुद्रगुप्त। भगवती चरण बोहरा ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर रूसी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन की तर्ज पर एक स्टडी सर्किल बनाया। भगवती चरण बोहरा पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति था। विचार जहाँ से मिले उनको पढ़ना, उसको जीवन में उतारना, साथियों से बांटना, चर्चा करना और कैसे समाज हित और देश हित में काम किया जाए, यह भगवती का काम था। ऐसे में 1926 में जब नौजवान भारत सभा बनी तो उसके प्रचार का काम भगवती के हवाले कर दिया गया। उसका मैनिफेस्टो भी भगवती ने बनाया। इसी तरह बिस्मिल, लाहिड़ी, अशफाकुल्ला और रोशन सिंह का काकोरी केस में फांसी के बाद 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, जब चंद्रशेखर आज़ाद की अगुवाई में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में फिर से गठन हुआ तो भगवती को ही उसके प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। HSRA के मैनिफेस्टो को भी भगवती ने ही आज़ाद के सहयोग से तैयार किया और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जमकर बांटा और पढ़ा गया। गांधी जी और उनकी अहिंसा की नीतियों में भरोसे के बावजूद तमाम कांग्रेसी नेता इन क्रांतिकारियों को काफ़ी पसंद करती थी। भगवती भगत सिंह से जुड़े तमाम क्रांतिकारी कार्यों से जुड़े हुए थे।
चाहे वह सैंडर्स की हत्या हो या फिर असेंबली में बम फेंकने की घटना। भटकेश्वर दत्त के साथ केस में उनको भी पार्टी बनाया गया था। भगत सिंह और भटकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के बाद लाहौर की बम फैक्ट्री पर रेड के दौरान सुखदेव किशोरी लाल और जयदेव भी 1930 में गिरफ्तार हो गए। लाहौर में HSRA का एक धड़ा आतसी चाकर के नाम से अलग होकर काम करने लगा। अब HSRA की जिम्मेदारी आजाद, यशपाल, कैलाशपति और भगवती के सिर आ गई थी। उन्हें क्रांतिकारियों का दिमाग माना जाता था, लेकिन एक और महारत उनके अंदर थी, बम बनाने की। 1929 में उन्होंने लाहौर की कश्मीर बिल्डिंग में रूम नंबर 69 किराए पर लिया और उसमें एक छोटी सी बम फैक्ट्री खड़ी कर दी। इरादा था भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन पर हमला करने के लिए बम बनाने का। इससे पहले 1912 में राज बिहारी बोस और बसंत विश्वास इस तरह का हमला वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर कर चुके थे। दिन भी वही चुना गया, यानी 23 दिसंबर। इस तारीख को 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया और 23 दिसंबर 1929 को लॉर्ड इरविन पर भी तभी बम फेंका गया जब वह आगरा से दिल्ली एक स्पेशल ट्रेन में वापस आ रहा था। किस्मत से गलत बोगी पर बम फेंकने के चलते वह बच गया। बोहरा के साथ यशपाल उस घटना में शामिल थे। उस वक्त वायसराय इरविन दिल्ली गांधी जी से ही मिलने स्पेशल ट्रेन से आ रहा था। धमाका इतना जबरदस्त था कि ट्रेन की दो बोगियां टूटकर अलग हो गईं। नाकामयाबी से क्रांतिकारी पहले ही परेशान थे। उस पर गांधी जी ने एक बयान देकर उनको और परेशान कर दिया। गांधी जी ने भगवान को धन्यवाद दिया कि इरविन की जान बच गई। बयान देकर गांधी जी लाहौर चले गए। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में उन्होंने फिर एक बयान दिया, फ्रीडम कैन नेवर बी अटेंड बाई एक्सप्लोडिंग बॉम्ब्स ऑन एन इनोसेंट मैन, आई रिगार्ड इट एज अ मोस्ट आउटरेज क्राइम। क्रांतिकारियों को अंग्रेजी वायसराय को इनोसेंट कहना काफ़ी बुरा लगा। गांधी जी यही नहीं रुके, अधिवेशन के बाद जब अहमदाबाद पहुंचे तो अखबार यंग इंडिया के 2 जनवरी के एडिशन में एक आर्टिकल लिखा, कल्ट ऑफ बम, जिसमें गांधी जी ने बम समेत तमाम हिंसावादी तरीकों की आलोचना की। उन्होंने बम जैसे तरीकों से मिली आज़ादी पर सवाल उठाए, ऐसे तरीकों को कायरतापूर्ण बताया। गांधी जी सबसे पहले सबके लिए पूज्य थे, उन पर सीधे कोई सवाल नहीं उठाता था, लेकिन भगवती चरण बोहरा ने तथ्यों के आधार पर पहली बार गांधी जी को जवाब देने की ठान ली। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस जवाब को तैयार करने में उनकी मदद की। उस लेख का नाम रखा गया फिलॉसफी ऑफ बम। हालांकि भगत सिंह के परिवारी जनों ने यह भी कहा कि उस लेख को अंतिम रूप देने के लिए भगत सिंह के पास जेल भेजा गया था। उस जवाबी लेख के कुछ अंश आप यहाँ पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ क्रांतिकारी युवाओं के तेवर और गांधी जी से नाराजगी भी। नो मैन कैन क्लेम टू नो अ प्यूपिल्स माइंड बाई सीइंग देम फ्रॉम द पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड गिविंग देम दर्शन एंड उपदेश, हैज गांधी ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स मिक्स्ड इन द सोशल लाइफ ऑफ द मासेज, हैज ही सेट विद द पीजेंट राउंड द इवनिंग फायर एंड ट्राइड टू नो व्हाट ही थिंक्स, हैज ही पास्ड अ सिंगल इवनिंग इन द कंपनी ऑफ अ फैक्ट्री लेबरर एंड शेयर्ड विद हिम हिज बोझ। इस लेख के आखिरी पैराग्राफ में लिखा गया था, देयर इज नो क्राइम दैट ब्रिटेन हैज नॉट कमिटेड इन इंडिया, डेलिब्रेट मिसरूल हैज रिड्यूस्ड अस टू पॉपर्स, हैज ब्लेड अस वाइट एज अ रेस एंड अ पीपल बी स्टैंड डिसऑनर्ड एंड आउटरीच्ड, टू पीपल स्टिल एक्सपेक्ट अस टू फॉरगेट एंड टू फॉरगिव, वी शैल हैव
our revenge. A pupil writes revenge on the triret quarter. Ours is a bar to the end, to victory or death. इससे साफ जाहिर था कि उस वक्त क्रांतिकारी कांग्रेसी तौर तरीकों को कायरता समझती थी। उनका मानना था कि अंग्रेजों ने भारत में अपना राज कायम करने के लिए तमाम क्रूर, अमानवीय, हिंसात्मक तरीके अपनाए हैं, तो उनके साथ दया का कोई सवाल ही नहीं। हम भी दया नहीं मांगेंगे, लड़ेंगे, या तो जीतेंगे या फिर मरेंगे। 25 साल के नौजवान ने गांधी जी की बम थ्योरी का जोरदार जवाब दिया। देश भर के युवाओं के बीच फिलॉसफी या बम को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस लेख फिलॉसफी और बम के पंपलेट छपवाए गए और उनको साबरमती आश्रम के बाहर चिपका दिया गया ताकि गांधी जी तक भी पहुंच जाए उनकी बात। लेकिन गांधी जी ने कुछ सोचकर इसका जवाब नहीं दिया और डांडी मार्च की तैयारियों में जुट गए। इधर युवाओं को यह भी लग रहा था कि पूरे देश ने गांधी इरविन पैक्ट में भगत सिंह की रिहाई की अपील की, लेकिन गांधी जी ने पैरोकारी करने से मना कर दिया। हालांकि यह पूरी तरह सच नहीं था और ना ही गलत। यह अलग बात है कि गांधी नेहरू के विरोध का खामियाजा इन क्रांतिकारियों को इस रूप में भी भुगतना पड़ा कि आज आपको भूले से भी भगवती चरण बोहरा का एक स्मारक या मूर्ति या किसी यूनिवर्सिटी में स्टडी चेयर शायद ही देखने को मिले। उनके नाम पर ना किसी योजना का नाम मिलेगा और ना ही किसी अवार्ड का। खैर, जब प्रिवी काउंसिल में अपील खारिज हो गई, मदन मोहन मालवीय की अपील फाइल करने से भी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकने के कोई संकेत नहीं मिले, तो गुस्से में भगवती चरण बोहरा ने एक बार फिर बम बनाने का फैसला किया और इस बार इरादा जेल तोड़कर भगत सिंह को छुड़ाने का था। 28 मई 1930 का दिन था। केवल 25 साल और कुछ महीनों के थे उन दिनों भगवती चरण बोहरा। लाहौर में रावी के उसी तट पर उन्होंने उस बम को टेस्ट करने की योजना बनाई जिस पर नेहरू ने पिछले साल दिसंबर में पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए तिरंगा फहराया था। जब वह बम अचानक फट गया और घायल हो गए भगवती चरण बोहरा, उनकी मौत वहीं हो गई। आज़ादी के मतवाले भगवती ने मरते वक्त कहा था, काश मेरी मौत 2 दिन और टल जाती तो मुझे बड़ी कामयाबी मिल जाती, मेरी यह ख्वाहिश अधूरी न रहती। अपने पीछे वह पत्नी दुर्गा और बेटे सचिंद्र को छोड़ गए। HSRA की पूरी जिम्मेदारी अब चंद्रशेखर आज़ाद के सर पर रह गई। वे भी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए हमेशा आज़ाद रहने की जिद पर आखिरी गोली से खुद को मारकर भगत सिंह से ठीक 24 दिन पहले ही दुनिया छोड़कर निकल गए। भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गावती तो क्रांतिकारियों के बीच उनसे भी ज़्यादा मशहूर थी। वे सारे क्रांतिकारियों की काफ़ी मदद करती थी। पति की मौत के वक्त भी वे अंग्रेज कमांडर हैली पर बम फेंकने के जुर्म में जेल में 3 साल की सजा काट रही थी। सभी तरह के कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भूमिका रहती थी। जब जॉन पी सैंडर्स को मरने के बाद लाहौर से भगत सिंह ने भागने की योजना बनाई तो दुर्गा भाभी की हिम्मत के चलते ही वे बच गए। सैंडर्स के 2 दिन बाद सुखदेव दुर्गा भाभी के घर किसी सूटेड बूटेड युवक को लेकर पहुंचे और उसको अपना दोस्त बताया। जब दुर्गा नहीं पहचानी तब उन्हें बताया कि यह भगत सिंह है और पहचान छुपाने के लिए बाल काट दिए गए। फिर वे लोग स्टेशन पहुंचे। फर्स्ट क्लास की 2 सीट्स पर भगत सिंह और उनकी पत्नी के रूप में दुर्गा और उनकी गोद में उनका बच्चा था।
जबकि राजगुरु एक नौकर के रूप में उनका सामान उठाए हुए थे, जिसे थर्ड क्लास की टिकट दी गई थी। पहले कानपुर पहुंचे, फिर लखनऊ के लिए ट्रेन ली, वहां से हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ी। राजगुरु बनारस में उतर गए। हावड़ा में CID सीधे लाहौर से आने वाली ट्रेनों के मुसाफिरों पर नज़र रखे हुए थी, इसलिए ये लोग बच गए। कुछ दिन हावड़ा में रहने के बाद अपने बच्चों के साथ दुर्गा भाभी भगत सिंह को सुरक्षित पहुंचाकर लौट आई। दुर्गा ने बाद में भगत सिंह को केस लड़ने में मदद करने के लिए अपने जेवर बेचकर 3,000 रुपये भी क्रांतिकारियों को दिए थे। यहाँ तक कि भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद लॉर्ड हेली पर भी बम फेंक दिया गया। वह तो बच गया, लेकिन उसके साथ ही मर गई। दुर्गा भाभी को 3 साल की सजा भी हुई। छूटने के बाद भी पति की मौत के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ी रहीं। देश के आज़ाद होने के बाद उन्होंने गरीबों बच्चों के लिए लखनऊ में एक स्कूल खोला और बाद में एक आम नागरिक की तरह गाजियाबाद में रहने लगी। 15 अक्टूबर 1999 को 92 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। शायद उनके पति के विचारों का ही उन पर गहरा प्रभाव था कि पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले ही और इतने साहस के साथ गुजारती और ना जाने कितनों को साहस से जीने की प्रेरणा दी।